बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आज मैं आपको धनिया स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। रमज़ान करीब आने लगा है तो रमज़ान में इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो धनिया काफ़ी दिन तक स्टोर रखने का तरीका आज मैं आपको बताऊँगी। वैसे अगर आप अखबार में लपेट कर रखें तब भी धनिया गल सड़ जाता है और उसकी ताज़गी बरकरार नहीं रहती, और अगर आप डब्बे में काट के भी रखें तब भी वो गल सड़ जाता है। तो आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपका धनिया की जो ताज़गी होगी वो बरकरार रहेगी। तो ये मैंने एक गड्डी धनिया लिया है, ये एक गड्डी धनिया है, इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। जो इसमें गले सड़े जब ख़रीदा था तब जो इसमें कुछ पत्ते होते हैं पीले हुए होते हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। अब जिस देखें बिल्कुल साफ़ धनिया है। अब मैं आपको तरीका बताऊंगी इसे ज़्यादा देर स्टोर करने के लिए। अब ये फुलनैन का कपड़ा है, इसमें मैं लपेट के रखूंगी। ये साफ़ हुआ वो धनिया अब इसमें मैं लपेट रही हूँ, इसमें लपेट के फिर इसे साइडों से भी लपेटना है, दोनों साइडों से लपेटना है इसे इस तरह, और इसे शॉपर में रखना है। देखिए अब मैंने इसे लपेट के ये गिरन डाल दिए हैं। अब मैं इसे नीचे फ्रिज में रखूंगी, ऊपर खाने में नहीं रखना, नीचे फ्रिज में रखना है। और ये आप देखिएगा, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप भी देखिएगा, ये काफ़ी दिन तक ये तरोताज़ा रहता है, इसकी ताज़गी बरकरार रहती है। और दूसरे तरीक़ों से जो दूसरे मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं कागज़ में लपेट के उससे और दूसरी तरह डब्बे में रखने से भी गल सड़ जाते हैं, तो इसलिए आप ये तरीका ज़रूर आजमाइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।